हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज 23rd ऑफ मे। सो वी आर, मैं ये व्लॉग सुबह चालू करने वाली थी और हो गई अब शाम, बिकॉज पता नहीं लास्ट वीक इज वेरी यू नो बैड रूटीन, मतलब पूरा रूटीन चेंज हो गया था, लाइक रूटीन वॉज चेंज और वो बहुत अच्छा रूटीन नहीं था, बैड था। तो वो आई वॉज रियली टायर्ड। सो सुबह मैंने मेरा क्लास हो गया, उसके बाद आई जस्ट लेफ्ट, मुझे बाहर भी जाना था, मतलब लाइक सो हम अभी पढ़ रहे हैं बिकॉज कल मेरी मॉक टेस्ट है। सो जो भी फाइनल एग्ज़ाम में आएगा तो वो हम करने वाले हैं कल। तो मॉक में थोड़ा आ जाए तो फाइनल में इतना बर्डन नहीं रहेगा, तो एक दिन पहले हम पढ़ रहे हैं, लाइक शाबाश। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये मेरी हैंड बुक है, आई हैव वन मोर, ये मेरी राइटिंग देखो ये आई ज़्यादा, इफ़ यू सी इट यू जस्ट गो मैड, लाइक आई कैन राइट, मतलब मुझे ऐसा पूरा भर के लिखने में बहुत मज़ा आता है, लाइक आधी खाली बुक है और ये देखो लाइक रियली। सो टू एनी वन हु डोंट नो, आई एम अ योगा टीचर। तो मैंने ये कोर्स लाइक बेसिक कोर्स 3 साल पहले किया था, करेक्ट तीन साल पहले किया था, देन आई स्टार्टेड टीचिंग। नाउ आई एम डूइंग द एडवांस कोर्स विच इज़ ऑफ 900 आवर्स। हम अलग अलग रहता है, जैसे 200 आवर्स रहता है, 300 आवर्स रहता है, बट दिस इज़ आई एम डूइंग फ्रॉम द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज। ऑल्सो ये 900 आवर इज़ द बिगेस्ट कोर्स, बाकी कोई स्कूल्स में ऐसे बड़ा कोर्स नहीं है, दैट इज उसके बाद सिर्फ लाइक एजुकेशन ग्रेजुएशन टाइप्स आ जाता है, अदरवाइज अ कोर्स के लिए 900 आवर्स इज़ द बिगेस्ट। सो आई एम डूइंग दैट, अभी मेरा वो ख़त्म हो गया, तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम्स है, लाइक मॉक टेस्ट एंड द फाइनल। सो टुमारो इज़ द मॉक टेस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आई डोंट नो नथिंग, मतलब सो आई एम जस्ट डूइंग टू get all the you know asanas, go through करूँगी, उसके बाद थ्योरी है वो go through करना है, there are a lot of philosophies है, मतलब फिर body related, diet related है, तो वो हम करने वाले, because ये जो exam है वो है आयुष की तरफ से, so बाहर से लोग आएंगे, and I don't know like whenever I have like दूसरे exams है, but like in yoga also when we were doing, मेरा घर पे यही लगता है पूरा टाइम बर्तन ही आता रहता आवाज़। सो दूसरे इसमें भी जब ऐसा है कि भूल गई मैं क्या बोल रही थी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, ओके याद आ गया। सो जब कोर्स के टाइम पे भी हमारे बहुत सारे कंप्लीट कर रहे थे रीच आउट समथिंग, हम लोग को इतना कंप्लीट करना होता है, वी हैव टू गिव दोस एक्सप्लेन दोस आसना, तभी भी आई वॉज लाइक आके भी इट वॉज लाइक वेरी टेंस, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव बेस्ट एंड आई एम डूइंग माई योगा थिंग बिकॉज आई लव इट, लाइक आई एक्सप्लोर्ड दैट आई लव योगा। सो या सो लेट्स कीप गोइंग एंड जो जो कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, सो लेट्स गो। बाकी आप लोग कैसे हो मुझे बताओ, लाइक नाउ आई फील अ लिटिल बेटर, लास्ट 2 डेज वॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट नाउ आई फील वेल, सो लेट मी नो कि आप लोग कैसे हो। अभी मुझे ब्लॉग डालना है लास्ट वाला, सो पहले वो करूँगी और फिर मैं पढ़ाई चालू करूँगी। सो इट्स 10 o'clock ऑलमोस्ट, व्हाट इज़ द सिचुएशन, मैंने ब्लॉग अपलोड करने के बाद मैंने थोड़ा पढ़ा और उसके बाद आई वेंट फॉर डिनर और वापस मैं अब आई। सो उसके पहले क्या पढ़ा है जस्ट लेट यू गाइज नो अबाउट इट, सो लेट्स गेट टू इट। सो करंटली राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस आसनास, उसके पहले आई वॉज रीडिंग अ लिटिल थ्योरी, तो थ्योरी मेरा तो ज़रा भी नहीं हुआ और थोड़ा बाकी हट योगा वाला थ्योरी इज रिमेनिंग, अदरवाइज थोड़ा इतना ही हुआ है मेरा, लाइक 1 पेज इज ओनली डन। सो इट इज आई टेल यू लाइक देर आर 5 टाइप्स ऑफ माइंड, सो एंड देन देर आर 5 टाइप्स ऑफ इंद्रियाज, यू हैव ज्ञान इंद्रियाज, यू हैव कर्म इंद्रियाज, ये तो सभी को पता होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक और माइंड के 17 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो है ईगो, माइंड इट्सेल्फ, इंद्री लाइक ज्ञान इंद्रियाज, कर्म इंद्रियाज, प्राणा, लाइक 5 प्राणास। प्राणास आर वेरी इम्पॉर्टेंट, सो या सो मेक श्योर दैट यू आर रेगुलेटिंग योर ब्रेथ नाइसली, लाइक यू कैंट स्टार्ट प्राणायाम ऐसे ही, यू नीड टू लाइक कम बैक टू लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज फर्स्ट, और उसके बाद आप लोग को ऐसे है कि
प्राणायाम चालू करना चाहिए एंड उसका भी यू नो राइट टाइम है प्राणायाम चालू करने का. लाइक फाइव प्राणास यू हैव फर्स्ट फ्रॉम लाइक हार्ट टू लाइक नोज टू यू हैव प्राणा अपाना समान उदान एंड व्यान. सो या मतलब आई एम नॉट गुड, मतलब मुझे पता है ये चीज़. व्हेन इट कम्स टू लाइक एग्जाम सो यू गेट लाइक क्वाइट नर्वस. सो यू हैव चित्त वृत्तीज ऑल्सो लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड. देर आर फाइव टाइप्स ऑफ माइंड विच विल गेट टू लाइक क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध. देर आर लाइक फाइव टाइप्स ऑफ माइंड. सो आपका अगर आपको रेस्टलेस फील होता है हमेशा तो यू हैव लाइक क्षिप्त माइंड. इफ़ यू आर लाइक डल काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक और सर डल हो थोड़ा ऐसे तो वो है मूढ़. विक्षिप्त हो तो आप थोड़ा 50-50 हो, मतलब कन्फ्यूज सोल हो मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आप विक्षिप्त काइंड ऑफ माइंड यू हैव. एकाग्र इज वन पॉइंटेडनेस. सो लाइक फोकस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे, मतलब ज़्यादा 90% लाइक वन पॉइंटेड. एंड निरुद्ध इज अरेस्टेड, लाइक चले गए हो भाई समाधि, सीधा समाधि में पहुँच गए. फिर यू हैव क्लेशेस लाइक फाइव टाइप्स ऑफ क्लेशेस. एंड सो इट्स लाइक महर्षि पतंजलि फेवरेट नंबर्स आई गेस उनके उनका जो बहुत बड़े वो है सी ऑलवेज से महर्षि. सो उनका फेवरेट नंबर शायद फाइव था. तो उनका सब चीज़ फाइव 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 ऐसा मतलब. और द ऑड नंबर व्हाट आई फील. तो या अपने आसनास पढ़े तो आपको लाइक व्हाट लोगों को रोज़ क्या करना चाहिए. आई गेट टू आर अटैच पिक्चर्स. जैसे लाइक हस्त पदासन करना लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग. सो इट इज़ गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन इन योर हेड. यू शुड डू ट्विस्टिंग की क्योंकि हम और ये लेंथनिंग ऑफ स्पाइन दैट इज तालासन. लाइक दिस इज मच इम्पॉर्टेंट. तालासन लेंथनिंग. सो हम हमेशा कंप्रेस ऐसे ही बैठे, देखो ऐसे ही बैठे रहते हैं हमें हमेशा. तो हमें लेंथनिंग वाला करना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेंडिंग करना चाहिए. इट्स ओके इफ यू कॉन्ट टच योर टोज. दैट रॉन्ग. दैट टचिंग टोज इज इंपॉर्टेंट. नो इट्स नॉट. ऑल्सो देन यू कैन डू भद्रासन विच इज माई फेवरेट आसना. सो वी डन वेदास. हमारा थोड़ा थ्योरी हो गया है, सांख्य फिलोसॉफी का थ्योरी हो गया है थोड़ा, वो सब हो गया. उसके बीच हमारी माता श्री ने दिया था हमें मैंगो मिल्क शेक. हम थोड़ा प्राणायाम करके हम सो जाएंगे. मतलब आई डोंट वांट स्ट्रेस स्ट्रेस थोड़ा पड़ा है. एंड लुक एट दिस. लाइक डू यू लुक एट हाउ डू आई राइट इन माय इन अरे पूरा नहीं पढ़ रही. थोड़ा थोड़ा किसने क्या किया है, किसने क्या लिखा है. अगेन सेटिंग बैक. We are still on call. So it's almost 1 PM right now. It's the next day. It's Wednesday. I'm just ready and I'll leave. This is what I am wearing. And I'm very nervous. Like, I don't want to talk. I'm just stressed. I just didn't read anything. Stress ho raha tha to maine padha bhi nahi. Matlab had hoti hai. So mock test mein mujhe stress ho raha hai. Like finals mein kya hoga, mera what lagne wala hai. So let's just go. Aur itne garmi mein mujhe bahar jana, matlab that's another task for me. श्रुति को इतनी स्ट्रेस में आँख आ गई, क्या पता किसी को आँख मार रही थी वो. श्रुति को कितना स्ट्रेस है गाइस. Here we are at library studying. Very stressed right now. All set for the exam. Yep. लड़की अब भी आई है. All set. ओह माय गॉड, देखो अब तक प्रैक्टिस कर रही. मिथिल आर यू सेट फॉर द एग्जाम. नो. श्रुति एकदम रेडी है. पूरे 7 मंथ में पढ़ा नहीं, अभी ये लोग पढ़ रहे. ये कैंसिल कर देती थी लड़की. देखेगी ना श्रुति वापस. श्रुति वापस एक बार आ जा.
श्रुति, श्रुति तू सिना जाओ, रो मत रे, रो मत, मित्तल से बाय, वो भी नहीं हो पाएगा। हम दोनों रह गए। चलना तू सिखा रही है, सिखा रही है। मैं सिखा रही हूँ गाइस। हाँ, कल गौमुख आसन तेरे को पता है ना? तूने गलत सिखाया ना, ब्रीदिंग पैटर्न ही नहीं पता है, क्या बताएंगे बेचारी। तो आई यू रेडी फॉर दी एग्जाम? रो मत यार, रो मत, व्हाई यू क्राइंग? वो देखो दर्शना को देखो, समा का बागवती के साथ घूमते हुए। श्रुति, श्रुति बागवती को पता? बागवती अक्लिष्ट जो अक्लिष्ट मतलब जिसमें क्लेशास नहीं है, क्या बोल के भी गलत है। मजा आ गई फ्रेंड्स। जिन्होंने जिन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की वो अब तक पेपर ही दे रहे हैं। आई नो कितना तेरी लोग पढ़ रहे, देखना मतलब मंदे को बेसिक नहीं पता 95 है कि 94 है, पूरा साल पेपर है। वो बोलती है मैंने बोला उसको आदि शंकराचार्य टेंपल भी है। हाँ वो तो जाके आना, यार योर पोस्ट आर मॉक टेस्ट। Everything is done. It was good test. मतलब दो तीन थोड़ा कन्फ्यूज हुआ बट बाकी सब अच्छा था। नेक्स्ट इज कि मेरा जो प्रैक्टिकल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लाइक आसन लाइक मैम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट थोड़ा प्राणायाम में मैंने गड़बड़ किया था। मैम बोल रही थी कि पूरा इधर तक आ गई थी तू प्राणायाम में आके, मुझे लगा तू बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी तो तू यहाँ आ गई। लाइक प्राणायाम में मैंने सही किया बट इस जस्ट वॉज कि मैंने उसको मीनिंग अच्छे से नहीं बताया उसका शायद। मतलब जैसे हम कोई आसन ले लेते जैसे सुखासन, सो इट इज़ लाइक एन ईजी पोज, तो उसका मैंने वो नहीं बोला। और ऐसे भी मतलब मैंने आसन काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था तो मैम को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ऐसे थे मेरे से कि मैं प्राणायाम भी ज़्यादा प्राणायाम में लाइक मैंने 20% थोड़ा अच्छा, मतलब 10% अच्छा नहीं किया, बाकी इट वॉज वेरी नाइस। सो आप लोग को ऐसा वाला ब्लॉग कैसा लगा लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड टिल देन सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड सब्सक्राइब।